स्वागत है जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई चौहान, जेड ब्लू, अहमदाबाद की प्राइड और अभी शायद देश की प्राइड होने वाले ही हैं आप, मुझे पक्का विश्वास है। तो आज मैं थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूँ, थोड़ा आप अपने जीवन के बारे में बताएं। वैसे 13 साल की उम्र से ही काम स्टार्ट किया, यू नो 13 साल की उम्र से जी, क्योंकि टेलर फैमिली में जन्म हुआ, तो यू नो टेलर फैमिली में पहले से आपको पता है कि बचपन से ही काम करना होता है, स्कूल जाना होता है, मगर स्कूल के आगे बैग रख के सीधा काम पे लगना है। तो 13 साल की उम्र से ही ये गाज बटन वगैरह सब काम किया, टेलरिंग सारे काम खुद किए। हाँ यस सर। और 15-16 साल की उम्र में शर्ट भी बनाना सीखे हम, शर्ट बनाना सीखे, फिर कटिंग सीखे यू नो, और हमारे बड़े भाई के साथ देखकर बड़े भाई ने दुकान किया और ऐसे पढ़ाई भी चालू रखा, पढ़ते भी रहे और काम भी करते रहे। एच के आर्ट्स कॉलेज में साइकोलॉजी के साथ ग्रेजुएशन किया और 1981 में एक 250 फुट की दुकान हमने अहमदाबाद में एलिस प्रिंस एरिया में खोला। नेम वो सुप्रीमो क्लोथिंग एंड मेन्स वेयर, बस वहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई। उस टाइम वन मैन शो था, यू नो अगर आप आए तो मुझे ही आपका मेजरमेंट लेना है, मुझे ही कपड़ा बताना है आपको, उसके साथ फिर मेजरमेंट लेके कपड़ा बता के आपकी ट्रायल, आपका कटिंग सब आपको ही करना है। तो उसका हमारा फिटिंग बहुत सही आता था, क्योंकि अगर ये वैसे टेलरिंग का ये रूल्स है, अगर जो मास्टर मेजरमेंट लेता है और कटिंग करता है तो ऐसे माउथ टू माउथ बहुत अच्छी पब्लिसिटी हुई। डॉक्टर्स, एडवोकेट, यू नो प्रोफेशनल्स, वकील, सभी लोग हमारे अच्छे कस्टमर होने लगे। तो एक अच्छा ग्रुप था चौकसी का, वो चार दोस्त थे, वो लोग उन्होंने बताया कि जीतू भाई आप अच्छे अच्छे शर्ट बनाते हैं, तो हम रेडीमेड एक ब्रांड क्रिएट करके उसको मुंबई भेजते हैं। ये अर्ली 86 की बात होगी, ऐसा द पीक पॉइंट ब्रांड नेम एक हमने चुना, वो चार पार्टनर ने पैसे रोके और मुंबई में उनका अच्छा एक सोर्सिंग था। मैंने एक अपने स्टोर के नीचे ही, वो 250 फुट का स्टोर के नीचे एक बेजमेंट में जगह रेंट पे लिखे, रेडीमेड का सबसे अच्छा मास्टर हमने उसको हायर किया और 10 मशीन लगाए और शर्ट बनाना स्टार्ट किया, बना के मुंबई भेजा। तो 500-700 हज़ार शर्ट भेजे हो गए 3-4 महीने में, मगर समाव पता नहीं मुंबई में वो क्लिक नहीं हुआ। और 6 महीने में पार्टनर लोग ने बोला कि जीतू भाई ये नहीं चल रहा है तो हम शर्ट वापस मंगा लेते हैं और ये बंद करते हैं। अभी हुआ क्या कि उन्होंने शर्ट मंगाया, सेल में बेच दिया उस टाइम 86 के बाद थे, और मैंने तो नीचे फैक्ट्री चालू किया था तो मेरे पास दो ऑप्शन थे उस टाइम। मैं वेरी कंफर्ट था कि मैं अगर फैब्रिक और टेलरिंग का बिजनेस कर रहा था, मेजरमेंट लेना ये वो मेरा पेशा था, उसमें बहुत कंफर्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, ये ब्रांड को चालू रखूँ कि बंद करूँ। तो अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि नहीं, मैं चिराग दिन से बहुत ही प्रभावित था उसमें। सीडी चिराग दिन, हाँ चिराग दिन। मैंने बोला ऐसा ये ब्रांड है तो मैं अपनी ब्रांड द पिक पॉइंट कैसे ना बनाऊँ। तो मैंने सोचा नहीं चलो मैं ये ब्रांड खुद चलाऊँगा। और ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे हमारे ये 250 फुट के स्टोर के बिल्कुल ऊपर एक 900 फिट की जगह मिली, ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफिस थी, तो हमने दुकान से स्पाइरल लगा के एक बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया। हमारे एक दोस्त मिस्टर नरेंद्र शाह, इस रिनाउंड आर्किटेक्ट और शेप में भी पढ़ाते थे, उन्होंने उसका इंटीरियर वगैरह बना और आलिशान स्टोर बना उस टाइम का भी। और द पिक पॉइंट ब्रांड का हमने 1986 दिवाली के टाइम स्टॉल लॉन्च किया। तो इस तुम्हारी फर्स्ट बोलते हैं ना कि वॉकिंग टू रेडीमेड, अदरवाइज वो टाइम अगर हमने ऐसा सोचा होगा मैंने कि भाई मैं चलो भाई बंद करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, जेडू नहीं होता आज। रिस्क लिया इन ए वे, और अपने पैशन को ज़्यादा मजबूती दी। यस। और फिर जेड ब्लू, जे और बी, जेड ब्लू कैसे आया? नहीं, फिर 86 में ये करके हमने 87 में रेडीमेड ट्राउजर भी लॉन्च किए। उस टाइम आपको बताऊँ कि रेडीमेड शर्ट और ट्राउजर्स 86-87 में आई थिंक सिर्फ पार्क एवं जोड़िया ऐसी 2-3 ब्रांड ही थी, और उसमें हमने एंटर किया था। और 86 से लेके 95 तक तो हम वही स्टोर में थे जहाँ हमारा पुराना स्टोर था, मगर हमारा मतलब नाम बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत अच्छा फिटिंग था। मतलब अहमदाबाद नहीं, गुजरात से बाहर से भी लोग कपड़े स्टिचिंग के लिए आते थे।
कोई भी आदमी को जब काम होता है ना, सक्सेस मिलती है तो उसका नशा बढ़ता रहता है, बढ़ता है, ऐसा ही हुआ। तो हमारे जो मेन सब कस्टमर के अंदर हमारे एक एनजी पटेल, जो अभी हमारा जेड ब्लू स्टोर है उसके डेवलपर एनजी पटेल भी हमारे कस्टमर थे, वो सीजी रोड पे नया बिल्डिंग परिसीमा कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि जीतू अभी तारे ते अभी जवाब मुझे अभी क्या तो स्टोर ले ले। मैंने बोला भाई इतना पैसा यू नो बहुत रेट है वहाँ, बोले तू चिंता मत कर। और सही में ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, पैसे उनके कपड़े में भी हमने एडजस्ट किए और बाकी भी रखे, और हमने वहाँ पर उनके बिल्डिंग में परिसीमा में एक 2800 फुट का स्टोर हमने बुक किया। उस टाइम आज आप देखेंगे जेड ब्लू इज ऑन फर्स्ट फ्लोर, यस, आज रिटेल का कोई स्टोर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा, कोई नहीं होता, मगर उस टाइम पैसा नहीं था। ग्राउंड फ्लोर का रेट था 5000 पर स्क्वायर फीट और ऊपर का रेट था 2500, तो ऑटोमेटिक डबल रेट था, तो हमने ऊपर का ही दिया। और वो जो हमने जेड ब्लू 95 में स्टोर खोला, तब से ऐसा मैं कहूँगा कि एक रिटेल में हमारे में मतलब बहुत ही बदलाव आ गया 95 के बाद, इतना बड़ा स्टोर। और उस टाइम इतनी हिम्मत थी कि मैंने 50 लाख का लोन लिया था उस टाइम, 50 लाख, इसी बहुत बड़ी अमाउंट लगती थी, 100 भी का आज तो यू नो उसका तो। और मगर बहुत जोश था यू नो, और अहमदाबाद ने उस टाइम भी नंबर वन स्टोर बनाया था हमारा, पूरा इंटीरियर वुडन से बनाया हुआ था, पॉलिश वर्क। और अहमदाबाद में ऐसे भी चर्चे हो रहे थे कि यह लड़का क्या करता है इतना बड़ा स्टोर करके, ये क्या करता है, पागल हो गया लगता है, यू नो सबको डाउट भी था, मगर यू नो उनकी परवाह नहीं की। हाँ, परवाह नहीं की, और बोलता हूँ अपने पैशन पे कम बहुत जोर भरोसा था, यस यस, कि नहीं वी कैन डू। जब यहाँ तक पहुँचे तो लगा कि नहीं कुछ अच्छा करेंगे, और बहुत अच्छा हुआ। मुझे याद है 2003 में आपका गोल था, जब हम साथ में काम कर रहे थे, कि आज एक जेड ब्लू सीजी रोड पे है, हमारे को 4 शोरूम खोलने हैं जी। और आपको पता है कि 2004 में बड़ौदा खोलने के बाद इमीडिएट 2006 में राजकोट, 2007 में सूरत, फिर मणिनगर, ऐसे करके टचवुड टुडे इस वी आर हैंडलिंग 22 स्टोर ऑफ जेड ब्लू एंड 38 स्टोर ऑफ ग्रीन फाइबर, मिला के 60 स्टोर नाम वी हैव इन अबाउट 20 इयर्स 60 स्टोर्स, इट्स अ ग्रेट जर्नी। गुजरात में 14 स्टोर है जेड ब्लू के, बड़े स्टोर जो बोल रहा हूँ मैं, और आउट ऑफ गुजरात जेड ब्लू के 8 स्टोर है, जिसमें 2 हैदराबाद में, 2 इंदौर में है, भोपाल, पुणे, जयपुर, रायपुर, उदयपुर, ऐसे करके 8 स्टोर है। इंडिया में कोई ऐसा रिटेलर हम जैसा नहीं है जो रीजनल रिटेलर होने के बावजूद उसने अलग स्टेट ने इतना सारा एक्सपेंशन किया, अपनी स्टेट के अलावा बाहर एक्सपेंशन भी किया है। हाँ, सुपर शॉप लाइफ स्टाइल थे यार, कॉरपोरेट थे यार, लार्ज फार्मी स्टोर थे, मगर एक सिंगल रिटेलर ने ऐसा काम किया है तो वो एक गर्व की बात है। और इसमें मैं करूँगा, इसमें पूरी टीम का पूरा साथ है, हमारे जैसे 2 भाई यहाँ है, अब तो बेटे भी आ गए। और जैसे आपने प्रश्न पूछा क्या कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो मतलब दिन रात देखा नहीं है कभी भी, मुझे बराबर याद है, इवन शादी के बाद भी तनेजा जी में रात को 2-3 बजे तक यू नो काम ही करता था। और टचवुड आज मैं कहूँगा कि इसमें वाइफ का सपोर्ट होता है 100%, अगर वाइफ का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता, बट ऑब्वियस है। मैं कभी कभी कहता हूँ कभी मजाक में मेरी वाइफ को या घर में बात होती है कि नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुँचे बिकॉज ही इज अलोन, तो वाइफ बोलती है कि आपको क्या करना है। एनीवे तो बहुत काम किया है और आज भी करता रहा हूँ। दिस 28th of August आई कंप्लीटेड 60 ईयर्स, तो मुझे लगा कि मेरी नई एक इनिंग चालू हुई है, ऐसा लग रहा है मतलब। और काम में आपका बताऊं कि खूब ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, पूरी रात जेड ब्लू के अंदर 1300 के ऊपर एम्प्लॉय है, एक फैमिली की भावना से मतलब यू नो आई नो कि भाई ये
मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, पूरी टीम का absolutely. फिर क्वालिटी पहले से एक ही की क्वालिटी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. यस यस, आज हम भी हमारी ब्रांड भी बनाते हैं तो, और तेजस्वी आज गुजरात के मतलब जाने माने और जर्नलिस्ट है कि आपको जानते हैं, इवन मोदी साहब है कि अमित साहब है, हमें यू नो वी आर एंजॉइंग के हम उनके लिए कपड़े बनाते हैं. वो तो आपका एक कुर्ता भी मोदी के जी के नाम से ही है, मोदी. वी हैव मोदी कुर्ता, मोदी जैकेट, अवर ओन लेबल, मतलब वो इंडिया में मोदी कुर्ता लेबल हमारा अलावा कोई लगा नहीं सकता, जो हम पीछे लगाते हैं इट इज रजिस्टर्ड लेबल. दैट्स ग्रेट. और जहाँ जो हमारा बिजनेस है, फैशन और कपड़ा रहेगा, आदमी को रोज चाहिए रहेगा, आपको रोज चाहिए, यू नो. तो मैं समझता हूँ कि अभी लास्ट रिटेल बिजनेस में आज कंपटीशन भी बहुत है. नई ब्रांड इतनी सारी इंडिया में आ रही है, आ गई है और आ भी रही है, तो वी आर फेसिंग कंपटीशन ऑल्सो. ऑनलाइन का एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, मगर एक ऐसा फेस है जहाँ हमें कॉम्पिटिशन नहीं आ रही है, जो हमारा कस्टमाइज टेलरिंग और जो है वहाँ हमें कॉम्पिटिशन कोई नहीं है, क्योंकि उसमें नए लोग नहीं आ रहे. वी आर वेरी नोन फॉर अवर दूल्हा कलेक्शन, दूल्हा, हाँ, पैथनिक कलेक्शन दूल्हा के लिए, या कोई वेडिंग फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन के लिए किसी को कुछ चाहिए तो वो हमारी प्रोडक्ट बहुत ही हम बढ़िया बनाते हैं. और कैजुअल जैसे फॉर्मल्स हमने इन हाउस बहुत डेवलप किया है. आज हमारा सक्सेस का राज एक ये है कि हमने हमारा इन हाउस लेबल भी प्रमोट किया, और उसमें जैसी ब्रांड होती है उसी टाइप की क्वालिटी दे रहे हैं. हमने क्या देखा कि इतना कंपटीशन है, कॉरपोरेट लोग आ रहे हैं हमारे बिजनेस में, और आई एम सिंपल ग्रेजुएट. हमारी कंपनी में आज तक हमने दो भाइयों ने ही धंधा किया है, राइट. तो हमने देखा कि लास्ट 3 साल से, वैसे ठीक है नोटबंदी आई, जीएसटी आया तो मार्केट भी डाउन हुआ, मगर हमने 3 साल में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे. तो हमने ये सोचा कि नाउ वी नीड प्रोफेशनल टीम. यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी मतलब सोच के हमने कुछ एक प्लान बनाया हुआ, और नाउ वी हैड वन COO, मतलब बहुत ही अनुभवी आदमी अपने लिए, और उसके साथ 5-6 और टीम आ रही है. और हमने 1.5 साल में, आपको बताऊं कि थोड़ा पोजर खा, एक्सपेंशन की बात करूं मार्केट के सीनियरों के हिसाब से, मगर नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड दिस, यू नो, आफ्टर अक्टूबर दिवाली के बाद काफ़ी एक्सपेंशन प्लान ग्रीन फाइबर के भी है और जेड ब्लू के भी है. आज आपके 3 states, 4 states कवर्ड है. हाँ, यस, हमारा महाराष्ट्र में, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, 5 states हैं. यस, आप क्या देखते हैं आने वाले 15-20 साल में, क्या 25-30 states हो जाएंगी? मैं रिटेल का ऐसा है कि स्टेट नहीं बढ़ाएंगे हम, शहर बढ़ाएंगे. हम क्या करेंगे, हम वेस्ट में, मतलब महाराष्ट्र में, एमपी में, राजस्थान में, ये 3 states, और हमारा साउथ में तेलंगाना और आंध्र में, वहाँ पर हम, जहाँ हमारे स्टोर है, जहाँ लोग जानते हैं हमें, करेक्ट, वहाँ एक्सपेंशन करेंगे, करेक्ट. मगर जहाँ जहाँ हमें जानते हैं, और मतलब यू नो पोटेंशियल सब जगह है. थैंक यू जितेंद्र भाई, आपने इतना समय लिया, अपने बात की, आपके साथ मिलके बड़ा मज़ा आया फिर से. और उम्मीद है कि आप, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने विजन को पाओगे. विथ योर ब्लेसिंग सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.